अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सीन आज का कुछ ऐसा है कि अम्मी के साथ जाना है उनकी मेडिसिन लेने, तो टाइम तो बहुत शॉर्ट है, जल्दी जल्दी चलते हैं। मैं वहाँ जाके व्लॉग बनाऊँगी, अभी टाइम नहीं है। घर में तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लगा, यहाँ पे अभी मैं लाहौर पहुँच चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ से हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। हफ्ते में व्लॉग ही नहीं बनाया गया, तो यहाँ पर आके हमने व्लॉग यहाँ से शुरू किया अपना। यहाँ पे हम हकीम की दुकान पे पहुँच चुके हैं, जहाँ से अम्मी की मेडिसिन लेनी थी। यहाँ पर हम हकीम का वेट कर रहे हैं। अम्मी का चेकअप करवा लिया था, मेडिसिन हमने वहाँ से ले ली थी। अभी हमने अम्मी का आई साइड चेकअप करवानी है, उनको थोड़ा सा ना आई साइड इशू हो रहा है, तो यहाँ से अब हम उस तरफ को जा रहे हैं। पर ये रावी के पुल पर देखें जी, इतना ज़्यादा रश है, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी, जैसे लगता है सारी की सारी गाड़ियाँ आज यहाँ पर ही आ गई हैं। लोकल ट्रैवल में ट्रैफिक का बहुत मसला है। ये देखें जी आप, मौसम कितना हसीन है, कभी यहाँ पे बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है। अभी अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले अपनी पर्ची बनवाई। पर्ची बनवाने के बाद हम अम्मी का चेकअप करवाने के लिए अंदर जाएंगे। फर्स्ट टाइम विज़िट किया हमने यहाँ पर, अम्मी का आई चेकअप हो रहा है। चेकअप के बाद अम्मी बताएँगी कि इनको यहाँ पर आके विज़िट करके किस तरह का फ़ील हुआ है, अच्छा चेकअप हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पे मेरा दिल किया कि मैं भी अपना चेकअप करवा लूँ। शुगर मेले में अम्मी के साथ मैं अपनी पर्ची बनवाने जा रही थी, और यहाँ मैंने अपना चेकअप करवाया। हंसी मजाक में मुझे आई साइड का कोई इशू नहीं है, बट मैंने एहतियातन तौर पे वैसे ही चेक करवा लिया कि मुझे कोई इशू वगैरह है तो नहीं। उन्होंने मुझे बोला, बीबी तो चंगी पहनी है, घर जा। आपने मुझे किसी किस्म का कोई आई इशू नहीं आया। अपना ट्रीटमेंट इंसान को करवाते रहना चाहिए। ट्रीटमेंट करवाने के बाद अब यहाँ से हम लीव करने लगे हैं। कल उन्होंने फिर विजिट का बोला, कल हम फिर यहाँ पे अम्मी की आई साइड चेकअप करवाने आएंगे। इतना सारा खजल खवार होने के बाद अब लग गई थी भूख। सुबह टाइम नाश्ता नहीं किया था, तो अम्मी यहाँ पर खाती हैं जी दाल रोटी, और मुझे पसंद है जी बिरयानी। बिरयानी तो लव है अपना। खाना शाना खाते हैं, और खाना शाना खाने के बाद हम चलते हैं स्टेशन पर। स्टेशन पर जाके आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खाना शाने खाने के बाद अभी हमने ये स्प्राइट की बोतल ले ली है। अभी हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, और वहाँ पे जाके वेट कर रहे हैं टिकट्स ओपन होने का, और तब तक वहाँ पे ही बैठे रहते हैं। ओए होए जी, लोरिया ने तो फुल मॉल बनाया है। लोर फिर लोर ही है, बाबा पौधे शोधे लाए ने अगे पीछे। यहाँ पर टाइम बज गया है दो, और हम यहाँ पर एक बजे से बैठे हुए हैं। हमारी ट्रेन आनी है 3:30 बजे। 3 घंटे यहाँ पर बैठा पड़ा, मैं तो बैठ बैठ के थक गई हूँ जी। तो एग्जैक्ट टाइम पे हमारी ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे ये सामान वगैरह खाली होगा, उसके बाद इसकी ब्रेक उतारेंगे, और फिर ये वापस अपने मुकाम की तरफ जाएगी। और ये वाला डब्बा यहाँ पर अभी खाली हो रहा है, इसमें ये सारा पीछे यहाँ यहाँ तक इसमें सामान पड़ा हुआ है, ये सारा खाली होगा। ट्रेन के साथ हो रहा है, अभी बाइक चढ़ाएंगे, इसके बाद रेफ्रिजरेटर पड़ा है वो चढ़ाएंगे, सामने सामान पड़ा है, सारा कुछ लोड करेंगे। माशाल्लाह ज़हीन कौन है हमारा। लाहौर में तो बहुत गर्मी थी, जैसे ही हम लाहौर से बाहर निकले हैं, वेदर चेक करें, माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग पड़ी थी। और आप भी वो चेक करें, अल्लाह पाक की कुदरत कितनी खूबसूरत है। वापस आते आते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी ना वो शाहदरा स्टेशन पे कुछ मसला हो गया था, तो 1.5 घंटा उसने वहाँ पे स्टे किया। 1 बजे से लेके हम 6 बजे तक स्टेशन पे बैठे रहे, उसके बाद हमारी ट्रेन वहाँ से चली और हम अपनी लोकेशन पे आ गए। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी लाहौर में, मैं आके सो गई थी, सो के बाद अभी उठी हूँ, और मुझे याद आया कि मैंने तो व्लॉग बनाना था। अभी बज रहे हैं 10:00 और मेरी आँख खुल गई है, अब मुझे नींद नहीं जल्दी आएगी। अभी अम्मी ने मुझे थोड़ी देर पहले उठाया, अभी मुझे याद आया कि अभी तो मैंने डिनर भी करना है, अभी व्लॉग शूट करके उसकी एडिटिंग भी करनी है, देन अपलोड भी करना है। 10:30 हो रहे हैं, 1-2 तो बच जाएगा इजीली। हमारा छोटू सा बेबी है ना, टब में बैठ के नहाता है, उससे पानी भी बाहर निकल आता है, वो खुद भी एक दो दफ़ा गिरा है, तो हमने सोचा अब उसे ना ट्यूब की ज़रूरत थी, मैं उसके लिए ट्यूब लेके आई हूँ। ये देखें आप, मैं ना आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखिए उसके लिए ट्यूब लेके आए हैं। अभी वो खुद छोटा सा है, 8 माह का है, अभी 9 माह का भी नहीं हुआ, तो ये ट्यूब अभी उसके लिए बिल्कुल ठीक है। अभी हम इसमें इतना पानी अगर फिल करें तो वो आसानी से मतलब इसमें बैठ के खेल सकता है। उसके बाद ये एक फिश उसके लिए लेके आए थे, जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे वो खेलने के लिए चीज़ें मांगता, तो मुझे ये फ़िश वहाँ पर अच्छी लगी थी, तो मैंने एक ये फ़िश उसके लिए ली है। ये नहाने के लिए उसके रिक्वायरमेंट्स थी, तो ये एक ट्यूब ली है मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत बड़े बड़े साइज़ भी थे,
ये मीडियम है, एक स्मॉल था, एक लार्ज था, एक उससे लार्ज था। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे उसकी रेंज ज़्यादा होती जाएगी। अभी 8 माह का, तो उसके हिसाब से ये वाला टब बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो बहुत छोटा सा बेबी है, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे उसमें तो फिर तो वो गोते खाएगा। वो तो मैंने दिखा दिया था आपको, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि ये अंदर से किस तरह की है। हेल्प करना, ये देखिए क्यूट सी गुची गुची सी, ये अच्छी लगी थी मुझे, मैंने ले ली। इसमें अभी इस वक्त सेल नहीं है, नहीं तो मैं आपको चला के भी दिखाती। सुबह हम अपने बेबी को देंगे, वो इसके साथ खेलेगा, फिर मैं आपके साथ उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। आज सारा दिन बाहर फिरने की वजह से ना मुझे अपनी स्किन बड़ी डल डल डर्टी सी लग रही है। सोने से पहले आपकी स्किन का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर से जो भी गंदछंद हो ना रात को सोने से पहले, अच्छी तरह से फेस वॉश करके सोना चाहिए। बहरहाल सो तो मैंने लिया, अब सो के मैं उठी थी। डर्टी स्किन हो तो उस पर अच्छे खासे पिंपल बन जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है। अच्छी खासी नीट एंड क्लीन स्किन जो है ना, उसका बेड़ा गर्क करना हो तो रात को बगैर फेस वॉश किया आप सो जाएं। अल्लाह पाक ने आपको एक बहुत खूबसूरत चेहरे से नवाजा होता है, हर इंसान खूबसूरत होता है। अपनी चीज़ की केयर करनी चाहिए, अपने आप की सेल्फ केयर करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है। बहरहाल ये मशवरा मैं आपको दे रही हूँ, मैं खुद ऐसा कुछ भी नहीं करती। मसाज देखिए अब कितने मिनट की और करते हैं, 10 मिनट तो करूंगी, क्योंकि अच्छे से स्किन से डस्ट को निकालना है। इसके बाद स्किन ज़रा फ्रेश फ्रेश सी लगने लग पड़ेगी। बस हो गया, जी तो अच्छी तरह क्लिनजिंग करने के बाद मैंने अपनी स्किन को एक स्पंज की मदद से साफ कर लिया है। अच्छी खासी डस्ट निकली है। मैंने अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लिनजिंग कर ली है, अब मुझे बड़ा रिलैक्स सा फील हो रहा है। इसी के साथ मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।